खबर सुल्तानपुर जनपद से, जहां कादीपुर में कलश स्थापना पूजन संकल्प के साथ चैत्र नवरात्र का शुभारंभ श्री महालक्ष्मी माता मंदिर ट्रस्ट द्वारा स्थापित श्री रामपुर लमौली रेवाहिया श्री महालक्ष्मी माता मंदिर में शुभारंभ हो चुका है। श्री महालक्ष्मी माता मंदिर में श्रद्धा भक्ति आस्था और आराधना का सैलाब उमड़ने लगा है। वाराणसी से पधारे आधा दर्जन प्रमुख विद्वत आचार्यों के साथ भक्तगण 24 घंटे पूजा पाठ में लगे रहते हैं। हर तरफ अनुष्ठान का माहौल है। संध्या आरती के समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु विधि विधान पूर्वक नवरात्रि व्रत रखते हुए माँ की आराधना करते हैं। वाराणसी से पधारे यज्ञ आचार्य अंतिम कुमार पांडे, आचार्य जगदीश तिवारी, आचार्य मयंक मिश्रा, आचार्य बिंदेश्वरी चतुर्वेदी, पंडित आदित्य पांडे के द्वारा दुर्गा सप्तशती पाठ एवं चंडी पाठ से संपूर्ण वातावरण गुंजायमान हो रहा है। तड़के सुबह से देर रात तक पूजा पाठ अनुष्ठान और भजन कीर्तन से माहौल पूर्णतया भक्तिमय हो गया है। प्रत्येक शाम को संध्या आरती का विशेष आयोजन किया जाता है। श्री लक्ष्मी माता मंदिर के ट्रस्टी कृष्ण कुमार तिवारी ने बताया कि संध्या आरती का विशेष महत्व पहचान है। धूमधाम से संध्या आरती की परंपरा वर्षों से चल रही है। श्री महालक्ष्मी माता मंदिर में होने वाली संध्या आरती में स्थानीय गायक वादक के साथ साथ वाराणसी से पधारे कलाकार भी अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। वाराणसी से पधारे आचार्य अंतिम पांडे संध्या आरती की शुरुआत गणेश वंदना से करते हैं। इसके बाद देवी भजन, लोकगीत एवं भक्ति तर्ज पर आधारित एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति की जाती है, जिसके बाद आरती होती है। संध्या आरती के बाद भक्तजन आरती लेते हैं। श्रद्धालुओं के बीच सुंदर स्वादिष्ट प्रसाद का वितरण होता है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां मौजूद रहते हैं। माता की जयकारे से श्री महालक्ष्मी माता मंदिर का वातावरण भक्ति में हो जाता है। बच्चे बड़ों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा संध्या आरती में सम्मिलित हो रहे हैं। मंदिर के संस्थापक माता रानी के अनन्य भक्त कृष्ण कुमार तिवारी ने बताया कि आगामी दसवीं के दिन एक विशाल भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 10,000 से ऊपर श्रद्धालु भाग लेंगे। Thank you.